सीएए देश का कानून कोई इसे लागू करने से रोक नहीं सकता, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। महादेव वेटिंग ऐप सेसे में एक और बड़ा एक्शन, दुबई में प्रमोटर सौरभ चंद्राकर नजरबंद, जल्द लाया जाएगा भारत। दक्षिण अफ्रीका में जारी बारिश ने मचाई तबाही, 6 लोगों की मौत, कई लापता। अखिलेश यादव के करीबी मनीष जगन की मुश्किलें बढ़ी, 2 मुकदमे में चार्जशीट दाखिल। नीतीश कुमार की एनडीए में होगी वापसी, बीजेपी से पहले करने के लिए ये बड़ा नेता तैयार। हजारों घर खरीदारों को योगी सरकार की सौगात, ग्रेटर नोएडा के फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ। ग्रेटर नोएडा के साथ अवैध कॉलोनी घर चले बुलडोजर, यमुना प्राधिकरण ने 128 करोड़ की जमीन खाली कराई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण बड़ा हादसा, हाईवा में लगी आग, जिंदा जला चालक। मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार, पहली बार आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही। भारत कोविड टीका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक चीन रूस के बाद, कल 23.4 करोड़ वैक्सीन का किया निर्यात। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।